Indian passengers who were stranded in Pakistan due to cancellation of Samjhauta Express arrived in Amritsar. इसलिए रोका गया था कि किसानों को धरना बताया गया था कि अमृतसर के अंदर जो है धरना दे हुए हैं ट्रक पर, ट्रक ब्लॉक किया हुआ है, जिसके कारण हम बागे से भी वापस हो गए थे थर्सडे वाले दिन। तो बागे पे फिर हम सर सिटिंग रूम में रहे, सिटिंग रूम से सर 3-4 रोज़ बाद वहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई है, वहाँ पे खाना भी दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा फैसिलिटी मुझे इंडिया में मिली है सर। क्या क्या फैसिलिटी दी आपको दिल्ली जाने तक, बसें प्रोवाइड की? हाँ, बसें खाने के लिए बिस्किट वगैरह भी दिए हैं, और सर अब बसें ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स करने के लिए कि बसें खड़ी हुई हैं सर आपके सामने, दिल्ली तक लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह, दिल्ली तक लेकर के जाएंगे। ये समझौता एक्सप्रेस कैंसिल होने के कारण जो पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग आए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि इनको कोई असुविधा ना हो। और 3-4 दिन से ये पाकिस्तान की तरफ रुके हुए थे, हमारे उधर से हाई कमिश्नर और स्टाफ ने इनकी मदद करके इधर लेकर के आए, तो हम लोगों ने इनको जैसे फैसिलिटेट किया, इनके लिए बस अड्डे तक जो है बसेस वगैरह का इंतजाम किया है, फैसिलिटेट किया है इनको, ताकि खाने के लिए हमने थोड़ा बिस्किट्स वगैरह सर्व किए हैं, क्योंकि ये लोग सुबह से यहीं पर जो इनका चेकिंग वगैरह होने के कारण देरी हुई, तो अभी मेरे ख्याल आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, ये सभी लोग थोड़ा संतुष्ट हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, समझौता एक्सप्रेस वॉज रिफ्यूज्ड एंट्री इन टू इंडिया ड्यू टू अ फार्मर्स एजिटेशन इन पंजाब। Reportedly, the Samjhauta Express left the Lahore railway station as scheduled with 86 passengers, including 25 women and 10 children, but was refused entry by the Indian Railway authorities. Correspondent Ravindra Singh from Amritsar for ANI.